क्या आप अलमारी में जैकेट के ज्यादा जगह घेरने से परेशान हैं? इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जैकेट फोल्ड करने के अलग अलग तरीके। ज्यादातर हम जैकेट की इसी तरीके से तह लगाते हैं ये समझ के कि ये शायद कम जगह घेरे, लेकिन इससे भी अलमारी के खाने भर जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जैकेट फोल्ड करने के अलग अलग तरीके शेयर करूंगी, जिससे कि अलमारी में जगह भी बनेगी और रखे हुए भी अच्छे लगेंगे। इसी के साथ मोनिकाज किचन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि मैं बनाना शुरू करूं, अगर आपने मेरे चैनल मोनिकाज किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप तक मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए देखते हैं जैकेट फोल्ड करने के अलग अलग तरीके जो आपके वार्डरोब को और भी सुंदर बना देंगे। जैकेट की जिप बंद करेंगे और जैकेट को उल्टा करेंगे, यानी जैकेट की फ्रंट साइड को नीचे की तरफ करेंगे। इसके बाद जैकेट की बाहें यानी स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर नीचे के हिस्से को 1/3 यानी 1/3 हिस्से को उल्टा फोल्ड करेंगे और ऊपर वाले हिस्से को फोल्ड करके इसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से जैकेट फोल्ड करने से जैकेट बहुत ही कम जगह घेरती है। अगली जैकेट, अब मैं आपको अगली स्लीवलेस जैकेट को फोल्ड करके दिखाती हूँ। पहले जिप बंद करेंगे और फिर उल्टा रखेंगे। पहले की तरह नीचे से 1/3 हिस्से को फोल्ड करेंगे और फिर ऊपर के हिस्से को इसके अंदर मोड़कर डाल देंगे। तो स्लीवलेस जैकेट कुछ इस तरह से फोल्ड होकर दिखती है। अब एक लॉन्ग जैकेट को फोल्ड करेंगे और देखते हैं कि ये जैकेट कितनी जगह घेरती है। प्रोसीजर सेम वही रहेगा। जिप बंद करेंगे और उसको जैकेट को उल्टा करेंगे और स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जैकेट के नीचे के हिस्से को 1/3 पार्ट को फोल्ड करेंगे और ऊपर के हिस्से को मोड़कर इसके अंदर डाल देंगे। तो देखिए एक लॉन्ग जैकेट भी कितनी कम जगह घेरती है। और अब मैं आपको ज्यादा क्विल्टेड जैकेट को फोल्ड करके दिखाती हूँ कि ये देखने में कैसी लगती है और कितनी जगह घेरती है। सबसे पहले जिप बंद करेंगे और अगर जैकेट में बटन लगे हैं तो बटन भी बंद कर देंगे और फिर उसी तरीके से फोल्ड करेंगे। अलमारी में जैकेट से ही सबसे ज्यादा जगह घेरती है। अगर हम इनको अच्छे से सेट करके रखेंगे, अच्छे से फोल्ड करेंगे तो हमारी अलमारी में काफी जगह बनेगी और ज्यादा कपड़े आ सकते हैं। देखिए ज्यादा क्विल्टेड जैकेट भी बहुत ही कम जगह घेरती है। इस तरीके से मैंने आपको 4 अलग अलग तरीके की जैकेट्स को फोल्ड करके दिखाया है। इस तरीके से जैकेट रखने से एक तो जगह कम घेरती है और देखने में भी अच्छी लगती है, और एक जैकेट निकालने पर दूसरी जैकेट की तह खराब नहीं होती और अलमारी में ज्यादा स्पेस बनती है और हम ज्यादा कपड़े रख सकते हैं। तो ये फोल्ड की हुई जैकेट कुछ इस तरह से लगती हैं। तो आइए दूसरी तरह से भी फोल्ड करने का तरीका देखें। तो आइए हम जैकेट को फोल्ड करने का दूसरा तरीका भी देख लें। सबसे पहले जैकेट की जिप बंद करेंगे और बटन बंद करेंगे और फिर जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं सेम उसी तरीके से आप जैकेट को फोल्ड करें।
और इस तरीके से स्लीव्स को सेट करें और फिर नीचे से रोल करना स्टार्ट करें। इस तरीके से फोल्ड करने से जैकेट बहुत ही कम जगह घेरती है। और फिर कोई भी डोरी लेकर या फिर कोई बड़ा रबर बैंड लेकर हम जैकेट को इस तरीके से बांध सकते हैं। इस तरीके से फोल्ड की हुई जैकेट को हम हैंडबैग में डालकर बहुत ही आसानी से ले जा सकते हैं। और अभी मैं एक और बड़ी जैकेट को भी फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ। सेम इसी तरीके से जिप को बंद करेंगे और फिर जिप तक ले जाकर इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और स्लीव्स को इस तरीके से रखेंगे और दूसरी साइड से भी हम जिप तक लेकर इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्लीव्स को इस तरीके से रखेंगे और फिर नीचे से रोल करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करने से भी हम अपनी अलमारी में जितनी मर्जी चाहें जैकेट्स रख सकते हैं और अगर हम ट्रैवलिंग में भी काफी सारी जैकेट्स ले जा सकते हैं और फिर कोई भी डोरी लेकर हम इस तरीके से बांध देंगे। तो ये था जैकेट को फोल्ड करने का दूसरा तरीका। इस तरीके से फोल्ड की हुई जैकेट्स भी बहुत ही कम जगह घेरती हैं और इस तरीके से फोल्ड की हुई जैकेट्स को ट्रैवलिंग में ले जाना बहुत ही आसान है। ट्रैवलिंग के लिए ये सबसे बेस्ट है। जैकेट फोल्ड करने के ये दोनों तरीके आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखा आपने जैकेट फोल्ड करने के दो तरीके, पहला इनसाइड फोल्ड करने वाला, देखने में सुंदर और निकालने में आसान, दूसरा रोल करके ट्रेवल बैग में ले जाने के लिए आसानी। आपको इन दोनों तरीकों में से कौन सा पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मोनिकास किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।